हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमें बप्पा का दर्शन करने का और उन्हें अपने घर में लाने का मौका मिला। और मैं सभी लोगों को बहुत तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आप सभी लोग हमारे घर आए और बप्पा का दर्शन किए। और बप्पा हमारे घर आए तो हमें बहुत खुशी भी हो रही है, बहुत अच्छा भी लग रहा है। और विघ्नहर्ता होते हैं, ये हमारे देवताओं में सर्वश्रेष्ठ होते हैं, तो इसलिए इनका आगमन हम सभी लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है। नहीं, ये हम सब फैमिली ने मिल के किया है। ये डेढ़ दिन, हाँ कल शाम को हम 6 बजे के आसपास विसर्जन के लिए निकलेंगे। बहुत सी विघ्न हैं, बहुत से संकट हैं, लेकिन अभी बप्पा को मैं किसी लालच में नहीं लेके आई हूँ। बस इतना ही चाहूँगी, बप्पा जैसे सबको अच्छा रखते हैं वैसे सबको अच्छा रखे, और सब अगर खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। मेरी फिल्म एक्चुअली मैं सितंबर लास्ट में रिलीज़ कर रही थी, लेकिन हमारे घर के जो श्रेष्ठ पंडित जी हैं उन्होंने कुछ मतलब अड़चन बताई है बीच में, तो उसके लिए शायद अक्टूबर जाएगा। आई थिंक उन्होंने डेट थोड़ा बोला है, वो मैं बहुत जल्द आप लोगों के सामने डिस्क्लोज़ करूँगी। वो बप्पा का आशीर्वाद है मेरे ऊपर, आप सभी लोगों का प्यार है जो मेरी फिल्म को अच्छा सर मिल रहा है, काफ़ी अच्छा बोल रहे हैं लोग। अपने मुँह से बोलूँगी तो बड़ाई हो जाएगी। बस इतना है कि आप सभी लोगों के प्यार और आशीर्वाद से जैसे फिल्म ट्रेलर म्यूज़िक को अच्छा बोला गया है, उस तरीके से मेरी फिल्म भी रिलीज़ होने के बाद अच्छी हो जाए, तो फिर बप्पा से बड़ा मेरे लिए कुछ नहीं होगा। मैंने तो सिर्फ इस फिल्म से एक ही सोचा है, मतलब मेरा फेवरेट है फिल्म को लेके, या तो इस फिल्म से मेरे पास कोई अच्छी सी कार आने वाली है या तो फिर कटोरा तो आ ही जाएगा। गणपति बप्पा मोरिया।